जीहुन, जीहुन, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, तुम ठीक हो? सब ठीक तो है ना? जल्दी बताओ क्या हुआ? क्या है ऑफिसर? हमें रिपोर्ट मिली कि इसने किसी पर हमला किया है। क्या? बचाओ! मैंने तुमसे छुपाया क्योंकि तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। आप ठीक तो हैं? कौन हो तुम? क्या फर्क पड़ता है? पीछे हट जाओ, चलो हमारे बीच मत आओ। तुमने तुमने मारा मुझे। तुम्हें लगी तो नहीं? तुमने मुझे मारा क्यों? मैं तुम्हें सॉरी तो कह रहा था ना। तुमने मेरे हनी को क्यों मारा? वो ऐसा नहीं है। अरे देखो तो, अरे नहीं, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। लेकिन इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? आप खुद ही देख लीजिए, चोट गहरी है ना, तुम्हें दर्द हो रहा है। इसने मुझे बहुत जोर से मारा है, लगता है मेरा सिर फट जाएगा। हॉस्पिटल ले चलो मुझे। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हम अब जा सकते हैं या नहीं? हाँ क्यों नहीं, आप लेकर जाइए ने। अरे नहीं, सर संभल कर। ध्यान से चलो। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। सच तो यह है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया था। इसने तो हाथ भी नहीं लगाया है ऑफिसर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये सच है, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आज तक तो इसके अपने दोस्तों से कभी लड़ाई भी नहीं हुई है। देखिए सारे पेरेंट्स ऐसा ही कहते हैं, गलती तो इससे हुई है। लेकिन जीहुन ने किया क्या है? किसी की मदद करना गलत है क्या, बताइए? कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए उसे चोट लगी है और उस औरत ने इनके खिलाफ गवाही भी दी है। अगर वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा या कोई और आई विटनेस होता तो शायद कुछ हो सकता था। वैसे एक बात कहूँ, आप कुछ ले देकर मामला सुलझा क्यों नहीं देते? कैंगमैन, जीहुन कहाँ है? वो आया क्यों नहीं? मुझे आज उसने फोन भी नहीं किया। तुम्हें पता है तुम कल उसके साथ थी ना? कल तक तो वो ठीक था, पता नहीं आज उसे क्या हुआ। गाइस, जीहुन पुलिस स्टेशन में है। क्या? क्या? मैंने युरा को बात करते सुना है। जीहुन पुलिस स्टेशन में? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ उसे? क्या हुआ उसे? जीहुन के साथ क्या हुआ? मैंने सुना वो आदमी हॉस्पिटल में है। सच? तो अब जीहुन का क्या होगा? लगता है जीहुन के दिन भर गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? जीहुन आखिर पुलिस स्टेशन में क्यों है? अब तक तो वो छूट गया होगा। उसने रास्ते पे चलने वाले कपल से झगड़ा किया और उस आदमी को मारा। ये झूठ है, तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे डैड की पहुंच बहुत ऊपर तक है और एडवर्टाइजिंग कंपनी भी मुश्किल में है। वो उसे एड में वापस लेने वाले थे। जीहुन को इसका भी जुर्माना भरना पड़ेगा। जीहुन तो बेचारा अब गया काम से। क्या उसकी फैमिली अमीर है? तुमने जो भी कहा सब बकवास है। चलो यहाँ से, अब हमें और कुछ नहीं सुनना। खैर देखते हैं किसका क्या हाल होगा। क्या जीहुन की कहानी सच है? तुम पागल हो, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मुझे लगता है उसे जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हे, ये देखो। क्या, क्या? अरे बाप रे, देखो ये सब सच है। आर्टिकल में लिखा है स्कूल यूनिफॉर्म मॉडल मिस्टर ए पर मुकदमा, उन पर आधी रात में मारपीट करने का आरोप है। विक्टिम मिस्टर बी ने इस मामले पर सुलह करने से मना कर दिया। मतलब सच में कैसे हो सकता है? क्या हुआ, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? I'm sorry, मैं बहुत परेशान था। आखिर हुआ क्या है? हाँ, आर्टिकल में क्या लिखा था? दरअसल वो पागल है, वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। क्या इसका कोई हल नहीं है? या तो सुलह कर सकते हैं या फिर हमें कोर्ट में जाना होगा। तो तुम सुलह क्यों नहीं कर लेते हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हम सुलह भी नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि सुलह कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जरूर उनकी कोई चाल होगी। पता नहीं, हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब? कहना क्या चाहती हो? अगर ये उनकी चाल है तो वो पैसों की डिमांड करते, लेकिन उन्होंने सुलह करने से मना किया और फिर जीहुन को फंसा लिया। सच है, शायद वो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। कुछ याद करने की कोशिश करो। हे शिनजी, मैंने तुम्हें अपने कदमों में नहीं झुकाया तो मेरा नाम बदल लेना। तुम मेरे पैरों में रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, समझ जाओ। ओ, एक मिनट रुको, पहले ये तो
तो सोचो कि हम उनसे कहेंगे क्या, वो हमारी बात कैसे मानेंगे। हाँ, हम उनसे जीहून को छोड़ने की भीख मांगेंगे और उन्हें मनाएंगे। कौन हो तुम? हम जीहून के फ्रेंड हैं, आपकी मदद करने आए हैं। क्या मतलब मदद करने आए हो? वो पूरी तरह पागल है। वैसे तुम हो कौन, उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या? आप हमसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? मेरे ख्याल से इसमें जीहून की कोई गलती नहीं है। मैंने सुना है कि आपके पति ने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई। तो उसने तुमसे ये सब कहा? कितना बेवकूफ है वो। तुम्हें भी जेल जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि आपको जो गलतफहमी हुई है वो बस दूर हो जाए। बस बहुत हुआ, तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों से मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। अपने फ्रेंड से कहना पूरी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हो जाए। हटो पीछे। ओह, शायद हमें उनके पास जाना ही नहीं चाहिए था। बात और बिगड़ गई है, अब हम क्या करें? मुझे भी उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी। लेकिन वो लड़की मुझे कुछ अजीब लगी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे शक हुआ कि वो जीहून को जेल में डालने के पीछे क्यों पड़ी है। कुछ तो गड़बड़ है, वो उसे फंसा रही है। जैसा तुमने कहा था, कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो जरा। देखा तुमने? क्या? गुराय, ये यूरा के डैड की कंपनी है। ओह, मैं जानती थी, मुझे पहले ही इस लड़की पर शक था। नानी भी यूरा की फॉलोवर है, इसके पीछे यूरा का हाथ हो सकता है। जीहून ने उसे ठुकरा दिया, इसलिए वो ऐसा कर रही है ना? हो सकता है, वो पूरी तरह पागल हो गई। मुझे भी पक्का यकीन है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ओह, हेलो। हाय हुगुजून, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। क्या देख रहे हो तुम लोग? हम हमारे दोस्त के लिए सबूत ढूंढ रहे थे। ऐसा है तो मैं एक चीज दिखाता हूँ। क्या? ये देखो, ये इसी टेक्निक से कई सेलिब्रिटी के अफेयर्स का खुलासा हुआ था। आपने जो मैगजीन मंगवाई थी वो लेकर आई हूँ। दिखाई नहीं देता, मैं बिजी हूँ। रख दो वहाँ। ओके मैम। सुनो। यस मैम। पानी ले आओ। ओके मैम, जल्दी। ओके। यूरा, इस बार क्या हुआ है? कंपनी के एम्प्लॉय को काम पे लगाया?